मैं केस किया हूँ, देखिए उड़ीसा थाना झरझर जोड़ा, देखिए परेशान किया है ना, सब क्लम्बर दिया हूँ। यूट्यूब पे मुझे सबसे नीचे गिरा दिए, यूट्यूब पे मुझे सबसे नीचे गिरा दिए, ये सारा यूट्यूब मैं डिलीट कर देंगे मालूम है जी। रोहित तुम्हारा वीडियो देखा यूट्यूब पे, क्या बोल रहा है भाई तेरे लिए मालूम है, आज भाई तेरे लिए भाई कोर्ट में मैं दिन भर भाई टाइम वेस्ट किया मैं दिन भर, और तुम जाके BDM ब्लॉग में जाके उल्टा पुल्टा। नमस्कार वालों, कैसा आपसे भाई, आप सभी भाई को हमारे वालों को फिर से स्वागत है। और अभी सुबह का टाइम बच चुका है, 7 बज गया है, और सुबह सुबह आपका भाई उठ गए, नहा लिया हूँ, फ्रेश हो गया हूँ, रात को यहीं पर आकर सोए थे। देखिए यही वाला होटल है, सामने में पंप है, जाकर भी पंप में हौदा बना हुआ है, जाकर मैं नहाने आया हूँ, मस्त से नहा के फ्रेश हो गए, और आपका भाई का सुबह का ऐसा लुक है। चलिए अभी आपका आज धनतेरस है ना, सभी भाइयों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। जाइए कुछ कुछ लीजिए, ट्रक लीजिए, थार लीजिए, स्कॉर्पियो लीजिए, मर्सिडीज लीजिए, वो हिसाब से जितना आपको पैसा हो। हम तो लेंगे चम्मच गलास लेंगे, क्योंकि अपने पास पैसा नहीं है, गरीब आदमी है जी, गरीब नहीं है दिल का राजा है, समझे, गरीब हम थोड़ी है जी। देखिए सामने में लड़की सब है, हंस रहे हैं, समझे, कहा जी खाली अपील वीडियो बनाइएगा, डबल वीडियो नहीं बनाएगा। वो बस है ना, बस अभी रुका हुआ है तेल भरने के लिए, सब देख रहे थे। चलिए जी चलते हैं, अभी आपका भाई का नागपुर में काम है, चलिए आप लोग का आगे बताऊंगा क्या काम है। उस लिए आपका भाई ऐसा आज रेडी हुआ हूँ, मेरे बहुत प्यारे भैया मेरे से मिलने आ रहे हैं, अभी नहाया हूँ, देखते केस पूरा भीगा हुआ है, चलिए चलते यहाँ से निकलते हैं, चले चलते हैं। हर महादेव, जय भोलेनाथ। चलिए आपका भाई सुबह सुबह नहाए ना जी, पूरा मूड माइंड सब फ्रेश हो गया, समझे, मस्त लग रहा है, सुहाना सुहाना लग रहा है। हाँ विमानों सो सवाल मुझे नहाना चाहिए, समझे, अच्छा होता है। एक समय था मेरा दिल्ली में थे, काम करते थे, तो सुबह सुबह मैं 4 बजे नहाते थे, जाते थे ना जिम करके आते थे ना, पूरा पसीना करता था, भीगल तो नहाना पड़ता था। आज से 16 साल पहले मैं मालूम जी किसी का नाम नहीं लूंगा, कल मालूम है जी मेरा गाली बहुत पड़ा, बहुत गाली पड़ा, मेरा नंबर तो मेरा सब वायरल ही है, पूरा इंडिया में मेरा नंबर वायरल है, समझे, रोज कॉल आता है धमकी भरी, कोई बात नहीं, जो गलती किया है उसको परिणाम हमको नहीं देने वाला, कानून है, भगवान है, सब पे जाओ लेकिन माँ बहन फैमिली पे मत जाओ। मेरे को मालूम मऊगा बोलो, भरुआ बोलो, बहुत कुछ बोलो, हमको गाली दो मेरे ऊपर लगाकर, ताकि माँ बहन का बीवी का बीच में नहीं लाने का। चलिए कोई बात नहीं, मैं अपनी माँ के नजर में अच्छा हूँ तो मैं बहुत अच्छा हूँ, समझे कि नहीं, मेरे बारे में लोग क्या बोलता है उसे मुझे उससे देखना नहीं है, मैं मेरे दिल बोलता है तुम अच्छा हो तो मैं अच्छा हूँ। चले भाई लोग, आपका भाई आ चुका है पंप में तेल लेते हैं, क्या भाई चंगला भाई चंगा, तो पीछे होइए इसको नापने, नापेंगे कितना तेल है। अरे नापने नहीं पड़ता, अपने पास ओरिजिनल माल है। अरे हम तो नापेंगे तो इसमें कितना तेल है हमको पता है, वहाँ पे बताओ कितना इसमें तेल है, 50 लीटर तेल है, पक्का बोले आप, देखिए कितना होता है, वाओ 4-5 लीटर, 5 लीटर का में 45 है, क्या भाई अजय भाई कैसा लग रहा है, पूरा फुल मूड में हूँ ना, एक नंबर है, अपना प्यारा भाई है चंगला भाई,
अब आज से दिवाली स्टार्ट है, आज छोटी दिवाली हो गया ना, धनतेरस धनतेरस। सभी भाई एकदम हैप्पी रहिए, बम उम फोड़िए, कहीं भांग मत लगा दीजिएगा। हम लोग बचपन में बहुत आग लगाए है, मोरे ही बम फोड़ दो, लूटे में बम लूटा समझते है, पानी पीते है, किसी को लूटा लेगा उसी में बम फोड़ दे देते, आलू बम। बचपन में बहुत शैतान थे, सब रहता है जानते ही है। क्या भाई, अपना भाई है, प्यारा भाई, दिवाली मनाइए। देखिए जी, आपका भाई आ चुका है नागपुर। चलिए आगे बाईपास में देखता हूँ अच्छा जगह, क्योंकि इधर में जी डीजल चोरी बहुत होता है। चलिए अच्छा जगह में लगाई लगाता हूँ, और भैया से बात हो गया है, भैया आ रहे हैं। देखिए जी, ये पार्किंग है क्या? लग तो रहा है पार्किंग है। चलिए अंदर डालता हूँ, पार्किंग होगा तो, क्योंकि पार्किंग में गाड़ी सेफ रहेगा, अच्छा रहेगा। पार्किंग बहुत बड़ा है। चलिए अच्छा जगह देख के लगाता हूँ, कहीं पे पार्किंग वाले 100 रुपया लेंगे पार्किंग। चलिए ठीक है, तो महंगा है, लीजिए हो भैया। और भैया को मैं लोकेशन डाल दिया हूँ, भैया आ रहे हैं, फिर चलेंगे जो काम करना है। आप लोग के वीडियो बने रहिए, आगे बताएंगे। चलिए जी, आ गए भैया। देखिए जी, आ गए भैया मिलने, चलते हैं भैया से, चलते हैं वहाँ नागपुर सिटी में। भैया जी आ गए हैं गाड़ी से, चलते हैं, आप लोग को बताएंगे वहाँ से आएंगे किस लिए जा रहा हूँ, समझे। गाड़ी को अच्छा स्लो कर देते हैं, क्योंकि गाड़ी में हम रहेंगे नहीं, कुछ सामान वामान लेना आएगा, देख लेते लाइसेंस वाइसेंस, कुछ प्रूफ प्रूफ लेना है क्या। यहाँ का फेमस है ना भैया, फेमस है ना डोसा, देखिए कितना बड़ा साज का है, बाबा रे पेट भर जाएगा मेरा तो। मैं थोड़ा इधर रिजवान भाई के आया ना भैया। हेलो हेलो, आपका भाई आ चुका है नागपुर सिटी में, आ गए जब वकील साहब के पास, ये उनका बंगलो है। चलते हैं, कुछ बातें करते हैं, फिर आप लोग से बताते हैं आगे की कार्यक्रम। हेलो हेलो, अभी टाइम बच चुका है 3, और देखिए काम हो गया, चलते अब गाड़ी में जी भैया। हेलो हेलो, आपका भैया आ गया है काम करवा के, ये सब क्या है आपको दिखाऊंगा गाड़ी में, चलिए निकालते हैं जी। गाड़ी देखिए फंसा पड़ा हुआ है अंदर में है, ये सब अन्ना भाई लोग ना कहीं गए हुए हैं, गेट गाड़ी खुला है, बाकी गाड़ी में ड्राइवर नहीं है, कोई गाड़ी में होंगे। अरे जी वो ड्राइवर साहब नहीं है समझे, तो क्या करे, दिमाग लगाया हूँ इधर उधर से, इसमें ड्राइवर है तो गाड़ी देखिए हुआ बैग में जाऊंगा, लाए लाए देखिए सामने में पत्थर उत्थर हटा देता हूँ, क्योंकि लंबा लंबा पत्थर है, ड्राइवर लगेगा तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए हटा कर गाड़ी को ले चलते हैं, थोड़ा मुझे दिक्कत होगा गाड़ी आगे पीछे करने में, कोई बात नहीं, आपका भाई का सब बाएं हाथ का खेला है, कहीं भी गाड़ी में घुमा लेता हूँ, सिर्फ गाड़ी घूमने का जगह होना चाहिए। देखिए ये सब पत्थर है ना, ये सब पत्थर रिक्स है, ये सब हटा देता हूँ। देखिए जी आपका भाई गाड़ी निकाल लिया, चले चलते अब आगे, मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ मैं क्या क्या किया हूँ नहीं किया हूँ, आए किसको मैं तंग किया हूँ नहीं किया हूँ, आप लोग के मालूम चलेगा आपका भाई कैसा है दिल का, समझे। चलिए आप लोग आगे आगे बताते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं इस जगह से, चलिए। हेलो हेलो, आपका भाई आ चुका है नागपुर एक्सप्रेस वे, चलिए इसका अब हम रीजन बताते हैं मैं क्यों किया। पंकज बोला लाइव में आकर जो रिकॉर्डिंग में डाला था, बोला उसका रिकॉर्डिंग नहीं है, उसका खलासी का, तो मैंने उसका भी नंबर मैं दिया हूँ साइबर क्राइम में, मैं केस किया हूँ, देखिए उड़ीसा थाना झारसुगड़ा, देखिए 3 पन्ना का है, अब वो क्या देखा आपको डाल दूंगा मैं यूट्यूब में, देख लीजिएगा, उसका भी नंबर दिया हूँ, अगर मैं होता गलत तो मैं भाई मैं केस करता। वो इंसान को बोला माफ़ी मांग लो, क्योंकि मेरा माँ बहन को बीवी को तू बहुत गंदी गंदी गाली दिया है, माफ़ी मांग लो, बाकी वो इंसान माना नहीं, अपना गुरूर में था, अगर में था, और ऊपर से सबसे धमकी दबा रहा, मेरा नंबर मानो जी पूरा वायरल कर दिया, मेरा नंबर पर्सनल नंबर वायरल कर दिया, और सबके मैं नंबर दिया हूँ समझे, जो जो मेरा परेशान किया है ना सबके नंबर दिया हूँ,
वो इंसान कल लाइव में आकर इतना गलत गलत बात बोला है, मेरा युगो में मालूम पर्यंत गुस्सा था ये गाली का मेरा, ऊपर से मेरा झूठ सूट मेरा मालूम इल्जाम लगाया मेरे वीडियो में, उसका चाहने वाला लोग खाली गाली दे रहा है, माँ बहन मेरा सब एक कर रहा है, तू झूठा ही हेन तेन लाभ लाभ आपको क्या बोलो, जाके देखिए कमेंट पढ़िए। वो इंसान इतना एक सेकंड मतलब रिकॉर्डिंग सुनाया, अरे भाई आपको अंदर भैया आपको भैया बोल रहा हूँ अब भैया आपको अंदर इतना ही था, वो अब बोलते हैं ना हम बहुत सच्चे इंसान है तो आप मालूम जी पूरा रिकॉर्डिंग सुनाते, अब मेरे पास रिकॉर्डिंग है 29 मिनट का, अगर आपको चाहिएगा तो मैं डाल दूंगा, तुम धमकी दे पा रहे हो। अब साहब क्या मालूम जी वो नंबर को चेक करना है, वो नंबर कहाँ का कौन का लगेगा, फोन किया भाई फंसा ना भाई, तुम किसी के बहकावे में आकर फोन किए हो आप फंसो फंसा ना, आप लोग पढ़ने मुझे नहीं पता आप क्या करते हो, गोली मारते हो कि बम मारते हो मुझे पता नहीं है, अगर आपका मैं नंबर दिया हूँ देख लीजिएगा मैं डाल दूंगा, सोचे भाई माफी मांग लेगा मैं, चलिए मेरा बहुत बड़ा दिल है समझे, आपका भाई का ना बहुत बड़ा दिल है सब जानता है, मेरा भाई लोग चाहने वाला जानता है, मेरा बहुत बड़ा दिल है माफ कर देते, बाकी ये इंसान नहीं गाली भी दिए मेरा बेइज्जती किए यूट्यूब पे मुझे सबसे नीचे गिरा दिए, यूट्यूब पे मुझे सबसे नीचे गिरा दिए, ये सारा यूट्यूब मैं डिलीट कर देंगे मालूम है जी, आप लोग बोलिएगा गाड़ी चला के हम खुश है समझे, ये सब कपड़ा है ना जी यूट्यूब कमाए से नहीं लिया हूँ, विश्वकर्मा पे हूँ आज तक मालूम अभी तक यूट्यूब कमाए से कुछ नहीं लिया हूँ, मैं क्या कमाता मैं तो ऐसी मान लो हम यूट्यूब पे क्यों आए थे अपनी आवाज के लिए आए थे, मेरे चाहने वाला भाई लोग जानते हैं भैया वीडियो क्यों बनाते हैं, पहले हम मान लो बोल नहीं पाते थे हकलाते थे समझे, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, बाकी ये लोग बोल रहा है व्यूज क्लियर कर रहा है व्यूज क्लियर कर रहा है, इतना मुझे गिरा दिया इंसान सबके नज़र में, मेरा दिमाग कल मालूम जब रात भर सो नहीं पाया हूँ टेंशन से, इतना मुझे कमेंट आ रहा है फोन आ रहा है, फोन तो आ ही रहा है मैं लगातार मेरे पास फोन आ रहा है लगातार आ रहा है, अरे हम बिहारी है मालूम है भाई माँ भर के लिए मालूम है अपना मालूम जान दे देते पता है भाई, इज्जत के लिए आप पता कीजिए बिहारी के बारे में, बिहारी से कभी दोस्ती कीजिएगा तो माँ भर के गाली मत दीजिएगा भाई समझे, मेरे बिहार वासियों के माँ भर के गाली नहीं दीजिएगा कभी। रोहित तुम्हारा वीडियो देखा यूट्यूब पे क्या बोल रहा है भाई तेरे लिए मालूम है, अरे तू मर्द दोस्ती किया था भाई तेरे से मालूम एक रुपये का लालच नहीं है भाई समझा, तेरा मम्मी का मुँह देख के मेरा माँ का मुँह एक है समझा, तेरा मम्मी बहुत मासूम है तेरा माँ को देख के मुझे बहुत माया है, हाँ इतना बेचारी कष्ट में है और तेरे लिए इतना मैं हेल्प किया भाई तेरे लिए वीडियो बनाया उससे लड़े हम, गलती किया तो लड़े हम भाई, गलत किया तो लड़े भाई हम वीडियो बनाए हैं आज भाई तेरे लिए भाई कोर्ट में मैं दिन भर भाई टाइम वेस्ट किया मैं दिन भर, और तुम जाके वीडियो ब्लॉग में जाके उल्टा पुल्टा क्या क्या बोल रहे हो, चलो सही है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तेरे से मालूम है हम कसम खाए थे रोहित तेरा रिकॉर्डिंग में डालूंगा नहीं, मर्द का वादा है, और सब मेरा गाली दिया तुम डालो रिकॉर्डिंग रोहित का, भाई डाला नहीं ये मर्द का जमान था, बाकी टाइम आने में भाई डाल दूंगा मैं, क्योंकि मैं गाली कब तक सुनूंगा, यूट्यूब क्या है, अगर मेरा भाई लोग बोल दिया भैया यूट्यूब बंद कर दीजिए तो मैं बंद कर दूंगा, मेरा चाहने वाला लफंदा लोग नहीं उसका नहीं, मेरा भाई लोग जो मेरा दोस्ती है जो मेरा भाई लोग रोज वीडियो देखते हैं वो भाई मुझे बोल दिया तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, क्योंकि मालूम आपका भाई का वीडियो का भाई लालच नहीं है, सब आगे कमेंट करा तू बीच के लिए काम करा बीच के लिए वीडियो बना रहा हूँ नहीं भाई बंद कर देंगे भाई समझा, जो बनाता है उससे जाके बात करो समझा, गेम खेल रहा है, रात को जो आप फोन करवाए थे ना उसका वो खलासी के नाम लेके जो फोन किया था फोन करवाया उसका भी नंबर दिया, ये कौन फोन करवाया ये कौन साजिश रचा लाइव आने से पहले, मालूम है हम गलत नहीं है भाई समझा भाई, अगर आप माफ़ी मांग लेते ना ये सब मैं मालूम हम नहीं करता भाई, दिन भर मेरा टाइम वेस्ट हुआ पता है आपको, तो भैया को मैं दिल से थैंक यू बोलूँगा, मेरा भैया वीडियो देखते हैं लव यू भैया आपका जीवन भर मैं आभार रहूँगा, आप अपना कीमती समय देकर इतना मदद किए, आपको पास टाइम नहीं है तब पर भी आप इतना मुझे मदद किए, आपका प्यार मैं कभी भूलूंगा नहीं जीवन भर, इतना मान अपना भाई भी नहीं करता जितना आप कर दिए ना उतना अपना भाई नहीं करता जितना आप किए मेरे लिए, और रोहित ये सब लंद फंद बोलना बंद करो, तेरा रिकॉर्डिंग मेरे पास बहुत सारा है भाई, बाकी मैं डाला भाई मर्द का जवान था तो उससे बड़ा क्या मैं डालूंगा नहीं, मर्द का जवान दिए थे भाई पंकज लेखा मैं नहीं हूँ, तेरा व्यूज के लिए तेरा ये के लिए मैं डाल दूंगा रिकॉर्डिंग, अब वैसा मुझे मत अब तुम्हें मालूम चल रहा है ना कौन इंसान कैसा है, मालूम चल रहा है ना तेरा और मालूम चलेगा देखना भाई, हाँ तेरा से मालूम लालच नहीं था रोहित भाई समझा, तेरा मम्मी के मुँह देख के मुझे मजा आया बहुत,
मेरा माँ समझे, मालूम है तेरा मम्मी का अपना माँ समझे। चलो किसी माँ जब बेचारी इतना कष्ट में, मेरा भी वो भाई वैसी हाल था पहले, मेरा भी मैं भी वैसी था उस, तेरे से मालूम नीचे थे समझा, वो दर्द मैं जानता हूँ गरीबी क्या होता है। अगर तू मेरे साथ भाई बहुत अच्छा किया, कोई बात नहीं, छोट भाई है माफ कर दूंगा, कोई बात नहीं। चलो 12 बजने वाला, देखिए ठंडा लग रहा है जी। ओह चलिए क्या करे, स्वेटर पहनते हैं, हुडी पहनते हैं, स्वेटर तो नहीं है हुडी है, ये पहन लेते हैं। इसको खोल के लेते, गर्मी बहुत लगेगा, बहुत गर्माता है, गर्माता बहुत है समझे। कंपनी का लीजिएगा ना सामान अच्छा तो गर्म करता है, लीजिए कम वाला तो गर्म कम करता है। चलिए इसको पहनते हैं, चलते हैं। और यहाँ से मुझे संभाजी नगर है 200 किलोमीटर, आपका भाई गाड़ी चला दिया है नॉन स्टॉप 200 किलोमीटर। तो मालूम है जी, आज से बाद अब यूट्यूब में मैं नहीं बोलूँगा मैं कितना मैं गाड़ी चलाता हूँ। एक है बड़े यूट्यूबर, उनको खराब लगता है मैं कितना गाड़ी चला रहा हूँ, कितना मैं नहीं चला रहा हूँ। और देखिए आपका भाई हुडी पहन लिया हूँ, कैसा लग रहा हूँ आप, शरीर में गर्मी करेगा, ठंडा लगा। ये पहाड़ी क्षेत्र है ना, पूरा फाका जगह है, ठंडा लग रहा है। उसने गाड़ी को रोक कर बगल में पंप नहीं, तो मालूम स्पेस में गाड़ी रुकिएगा, रोड साइड में है, सब पीछे पंप है, आता है गाड़ी लेकर पड़ोसी से सब घूमते रहता है, आएगा बंदूक भिराएगा। देखिए मैं देख रहा हूँ कोई आ तो नहीं रहा है, बहुत ससुर तो चूर है समझे, बगैर बंदूक क्या हो ना तेज छील देंगे ससुरा। हाँ देखा बंदूक क्या हो मेरे पास में, नाना के याद दिला देंगे हम। अकेला तो ना मारू, आपका भाई दो तीन आदमी गया, आपका भाई अकेला देख सकता हूँ, इतना मेरा कैपेसिटी है समझे। एक बार मारे थे उड़ीसा में, मारे थे चोर को, 3 गो था चोर, अकेला उसको धोए थे हम, पानी पिया पिला के मारे थे समझे, उस पर मैं यूट्यूब का वीडियो नहीं बनाते थे। अच्छा जी आ चुका हूँ मेकर से आगे, और देखिए यादव भाई नहीं है वो, साथ लोड किए थे इसी पंप में भाई बोला है, तो मुझे पता है जो पंप बोला मैं समझ गया, बोला डाउनिंग पे पूरा पंप है, इसी पंप में भाई ठहरा है, देखते हो भाई साहब कहाँ है। ए तू क्या कर, वो गार्ड है क्या, अच्छा जी हम बोला चोरवा है गार्ड, अभी देर छिल देते अभी ससुरा गए हम, अरे चोरवा नहीं था गार्ड है, तेल निकालता बहुत तेल निकालता समझे। देखते हैं भाई इधर ही है गाड़ी, अरे ये तो जगह ही लगा ही ना ही लगाते हैं। अब देखिए भाई लोग आपको दिखाते लाइव प्रूफ, देखिए हल्का ब्रेक मारे माल आगे आ गया, इतना डेंजरस माल है समझे, हल्के मारा भाई, हल्का ब्रेक पकड़ा हूँ, ऐसे पकड़ा हूँ माल, अगर क्रॉस मारेगा तो क्या हुआ, माल में मालूम है जी बहुत रिस्क माल है, आपको बहुत सोच समझ के गाड़ी बाउंस चलाना पड़ता है समझे। इसको बोलता हूँ ड्राइवरी कैबरी बोलता है समझे, किसी को बोलता है, देखे रायपुर में आए पूरा भीड़ भाड़ में कुछ नहीं हुआ, ए मच्छर ससुर के नाते कैमरा में बैठेगा और देखते हैं तेल खत्म कर देगा जी। देखिए गाड़ी को लगाया यहाँ से आगे, उधर चोरी होता है क्या बोले यार, उसको मैं बोला पंप में लगाना यार, बताइए तो क्या यार, चलो उसको झाड़ता हूँ, देखते हैं उसको टंकियों में तेल उल है कि नहीं। चलिए जान पहचान का भैया, मेरा काम है किसी को सुरक्षा देना, मैं गार्ड थोड़ी हूँ। चलिए दोस्त है उसको पूछ, अरे बाबा हम कितना चले पैदल, यहाँ 100 मानो 250 मीटर है, लगता है सामने में लगता है होटल फूटल है। चलिए चले जल्दी गाड़ी लेकर आते हैं समझे, उसको लेके चलेंगे आगे पंप में, पगला इसमें पूरा मालूम है टंकी खाली करवा लेगा, क्या बोले क्या है सब ड्राइवर है ये समझे कि नहीं, इसलिए मैं गुस्सा आता समझे, बोलता है गाड़ी में डीजल चोरी हो गया, लगाओ इधर में लगाओ ये सब ठीक है, वो साफ आगे लगाया है, साफ रोड पर लगाया है, आएगा टंकी सब गायब कर देगा, मारबो करेगा। चलिए गाड़ी को लेकर आते हैं, टंकी ठीक है अभी, अभी 1:30 बजे है ना, अरे भाई अरे बच्चा अरे भाई वाह उठो उठो, अरे पैसा निकालो, अरे मोबाइल निकाल, ये सब होटल है तुमको पता है इसके बारे में क्या होता है, उधर उधर लगाता हूँ वहाँ पूरा गार्ड सब है पीछे वहाँ गाड़ी में लगाए थे। ये देखो ये हाईवे है, देख लो हाईवे से आएगा बस यहाँ मारेगा, हुआ नहीं तुमको यार पता नहीं यार, नींद हुआ पूरा, नींद आ रहा कि नहीं बताओ, रिक्स मत लेना मेरे साथ भाई, हमको नींद नहीं आ रहा है, चलो चाय पीते हैं, चलो चाय पी के चलते हैं, चलो चलते हैं जी, चलते हैं यहाँ से, कहो नींद आ रहा है, नहीं नींद आ रहा है, दिन से सोया हुआ है, मेरा नींद क्यों नहीं आता है भाई, ज्यादा मशीन है हम, ऐसा बोलता है भाई लोग दारू पी ले, अभी दारू पी ले देखता रहे मुँह, दारू पी ले अरे भाई इसका मालूम है जी प्रैक्टिस क्या हो समझे, जगने का हलवा नहीं है भाई, प्रैक्टिस क्या हो तब जगते है समझे, अभी टाइम देखिए 2 बजने वाला है ना,
देखिए दो बज गया। देखिए चलिए यहाँ से जलना लगेगा कितना, एक घंटा ना, एक घंटा जलना लगेगा, जलना पा करके हम सोएंगे का। अब करते हैं ब्लॉग के एंड, मिलता है उसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहिए और भाई को ऐसे प्यार बना रखिए। लव यू, हेलो, गुड नाइट, गुड, जय हिंद। ए बाबा।